हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय होम एंड किचन टिप्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पुराने शर्ट्स को इस्तेमाल करने के चार तरीके बताने जा रही हूँ, यानी कि पुरानी शर्ट्स को या जो शर्ट्स बच्चों की छोटी हो जाती हैं आप उन्हें दोबारा से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल तरीके मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। शर्ट रिसाइकलिंग के जो तरीके मैं बताने जा रही हूँ उसमें आप लेडीज शर्ट का, जेंट्स शर्ट का या फिर बच्चों के कपड़ों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, प्रेस से जल गया है यहाँ पर, तो ऐसे कपड़े भी कई बार हमारे पास रहते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े होते हैं जो छोटे हो जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल करके हम दोबारा से उनके लिए पहनने लायक बना सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं पुरानी शर्ट्स को। तो चलिए देखते हैं पहले हम क्या बनाने वाले हैं पुराने शर्ट्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पर मैंने एक शर्ट ली है और उसे प्लेन सरफेस पर इस तरह से फैला कर रखा है और मैंने एक कुशन कवर रखा है उसके ऊपर और इस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ, यानी कि जो कुशन है उसके साइड्स पे मैंने एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो तीन साइड से हमें कट करना है। एक साइड से ये ऑलरेडी स्टिच्ड है ऊपर की तरफ से, तो ये कपड़ा हमने हटा दिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे इस तरह से और फिर से सरफेस के ऊपर इस तरह से फैला देंगे और कुशन को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। अब हम दोबारा से मार्किंग कर रहे हैं और बिल्कुल कुशन के साथ साथ हमने मार्किंग करनी है, यानी कि अब हम स्टिचिंग के लिए ये निशान लगा रहे हैं। बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर हमें स्टिच करना है इसको। तीन साइड से हमने निशान लगा लिए हैं उल्टी साइड में, ये देखिए इस तरह से। अब हम सिलाई मशीन का यूज़ करके इसे स्टिच कर लेंगे और इस तरह से मैं कुशन का कवर बनाने का तरीका आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। इसके बटन ओपन करके इसे सीधा कर लेते हैं, इसके कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकाल लें। ये देखिए, हमने बटन ओपन कर लिए हैं और इस तरह से बहुत ही आसानी से कुशन्स को इसके अंदर डाला जा सकता है और इसमें ना जिप की ज़रूरत है ना कुछ और आइडिया लगाने की ज़रूरत है आपको कि कुशन को इसके अंदर किस तरह से डाला जाएगा। जो बटन एरिया है उसी को हम यूज़ करेंगे जिप की तरह से। बटन्स बंद कर दीजिए और ये हमारा कुशन का कवर रेडी हो गया है, ये देखिए। तो बहुत ही आसान है इस तरह से शर्ट से कुशन कवर्स तैयार करना। आप अलग अलग शर्ट्स का इस्तेमाल करके इस तरह से पांच के पीस बना सकते हैं कुशन कवर्स के। अब मेरे पास एक ब्राइट कलर की ये शर्ट है और इसको बटन की तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से इसे प्लेन कर लीजिए एकदम। ये मेरे पास एक सूट है जिसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और इसी के नाप से मैं कटिंग करने वाली हूँ। आप चाहें तो बच्चे का नाप ले करके कटिंग कर सकते हैं, बट इस तरह से कपड़े को रखकर आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर्स को मार्क कर दिया है इस तरह से और इसके बाद जो स्लीव नीचे तक कट होगी वहाँ पर मार्किंग कर दी है मैंने इस तरीके से, और साथ ही मैं कमर के हिस्से को भी नीचे तक इस तरह से मार्क कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लिया है, एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि अभी हमें स्टिचिंग भी करनी है इस वजह से। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर बाजू को ड्रॉ करके कटिंग भी स्टार्ट कर दी है और इस तरह से जो शर्ट का एक्स्ट्रा हिस्सा है स्लीव्स का उसको निकाल कर अलग कर देंगे पहले। अब ये नीचे से भी इसे शेप दे देते हैं इस तरह से, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से कट कर लेंगे और इस तरह से ये नीचे से कटिंग कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसे ऊपर से कट कर लेते हैं। ये कंधे का हिस्सा हमने कट कर लिया है यहाँ पर और इसके बाद हमने कॉलर को सेपरेट करना है पहले, और उसके बाद हम इसमें से जो गला है उसको निकालने वाले हैं। तो पहले कॉलर को सेपरेट कर दीजिए, कॉलर का जो बुकरम वाला हिस्सा है वहाँ से पूरा कट करके इसे सेपरेट कर देंगे। ये देखिए, ये सेपरेट हो गई है। कॉलर अलग करने के बाद हम यहाँ पर गले को ड्रॉ कर लेंगे और दोनों तरफ से मैंने इतना ही गला रखना है, छोटा सा ही मैंने इसे ड्रॉ किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अदरवाइज पीछे से भी सेम साइज़ का होगा तो ये बड़ा हो सकता है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ इस तरह से और इस तरह से हमारा नेक का हिस्सा भी निकल कर आ जाएगा, ये देखिए।
और यहाँ पर जो पॉकेट है उसको भी हम जो सिलाई लगी है उसको निकाल देंगे और पॉकेट को हटाकर हम यहाँ पर एक फ्लावर लगाने वाले हैं बाद में जब ये तैयार हो जाएगा तब। और अब हम इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे ताकि हम मार्किंग कर सकें स्टिचिंग के लिए, सिलाई लगाने के लिए। ये देखिए बच्चे के नाप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए कपड़े को और यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। इस तरह से इसके ऊपर ऊपर स्टिचिंग करनी है, ऊपर कंधे पर लगानी है सिलाई, स्लीव्स में लगानी है और हमें नेक में स्टिचिंग करनी है बस। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं इसे। ये देखिए शोल्डर्स मैंने सिल लिए हैं इसके और इसके बाद पाइपिंग लगाएंगे इसमें। तो मैं पाइपिंग लगाने के लिए एक रेडीमेड पाइपिंग का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो जो स्लीव्स का कपड़ा था उसी में से जो स्ट्रिप्स कट करके उससे पाइपिंग लगा सकते हैं। तो पहले मैं गले को तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं स्लीव्स में भी सेम वे में पाइपिंग्स लगाऊँगी इसी कपड़े से। स्लीव्स में से स्लांटिंग पट्टी काटकर उससे भी पाइपिंग लगाई जा सकती है या फिर कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे ही मोड़ दें और उसके ऊपर से आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गई है इसकी पाइपिंग भी और साइड में हमने जहां पर मार्किंग की थी वहां पर मैंने सिलाई लगा दी है। और ये देखिए फ्रॉक कितनी आसानी से कंप्लीट हो गई है। अब ये सीधी साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सुंदर बच्चे का ड्रेस बनकर तैयार हुआ है शर्ट का इस्तेमाल करके। और ये मैंने एक रिबन का फ्लावर लिया है, इसको मैं अटैच कर रही हूँ सुई धागे की हेल्प से और इस तरह से ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। और आगे इसमें बटन लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक देते हैं इसको। तो इसे आप लेगिन के साथ कैरी कर सकते हैं, ऐसे ही कैरी कर सकते हैं या फिर सलवार के साथ भी बच्चे से पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बेबी ड्रेस बनाने का। कोई भी शर्ट आपके पास अच्छी सी ब्राइट कलर की पड़ी है तो आप इस तरह से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बड़ों के लिए भी इस तरह की ड्रेस तैयार की जा सकती है। अब ये शर्ट है जो कि छोटी हो गई है और इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं इस तरह से। मैंने इसे बटन की साइड से फोल्ड कर लिया है और इसका नीचे का हिस्सा भी हमने निकाल दिया है। ऊपर का हिस्सा हटा देंगे और जो नीचे वाला कपड़ा है उसे ही इस्तेमाल करना है हमने। और इससे मैं स्कर्ट बनाने वाली हूँ। बेबी स्कर्ट बनाना बहुत ही आसान है इस तरह से शर्ट का इस्तेमाल करके। ये देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करना है ताकि इसके अंदर हम इलास्टिक डाल सकें। तो बहुत ज़्यादा आपने कपड़ा नहीं लेना है फोल्डिंग में, सिर्फ उतना ही लीजिए जितने में आसानी से इलास्टिक आ सके। और इसे एंड तक हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाइए। तो इस तरह से बहुत कम टाइम में आप स्कर्ट तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए घर पर ही। सिलाई को पक्का कर लेते हैं एक बार और। ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया है जहाँ हमने इलास्टिक डालनी है और जो बटन वाला हिस्सा है उसे भी हमने अटैच करना है बटन लगा करके। आप एक सिंपल सिलाई यहाँ पर भी लगा दें, ये क्लोज हो जाएगा और नीचे से थोड़ा हिस्सा आप चाहें तो ओपन रख सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से क्लोज कर सकते हैं इसे। अब मैं एक लेस का यूज कर रही हूँ, नीचे मैं इसे लगा रही हूँ इस तरह से ताकि और अच्छी दिखे। कोई भी फ्रिल आपके पास पड़ी है उसका भी यूज कर सकते हैं आप। और ये देखिए स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने एक सेफ्टी पिन ली है और उसकी हेल्प से मैं इसमें इलास्टिक डाल रही हूँ इस तरह से और उसके बाद मैं इसे सुई धागे से सिल दूंगी आपस में। ये देखिए इलास्टिक को सिल दिया है मैंने और इस तरह से ये बेबी स्कर्ट बनकर तैयार हो गया है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बटन इनको रख सकते हैं या फिर शो बटन जो होते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। कोई हैंडमेड फ्लावर भी इसमें लगा सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये है एक किचन एप्रन जो मैंने बनाया है पुरानी शर्ट का इस्तेमाल करके। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आपने वॉच भी किया होगा। अगर नहीं देखा है
तो आप ये वीडियो एंड तक देखें और एंड स्क्रीन में आपको शर्ट से एप्रन बनाने का तरीका मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। शर्ट से एप्रन बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए आपको सिलाई मशीन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी ही आसानी से सुई धागे का इस्तेमाल करके सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर ये एप्रन तैयार कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको शर्ट का इस्तेमाल करके 4 चीज़ें बनानी सिखाई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।